खुद पर काबू रखें। जब अचानक कुछ गलत हो जाता है तो एकदम खौफ, मायूसी या गुस्सा आप पर हमला कर देते हैं। कभी आपको तनकीद या नुकसान का डर हो तो भी गुस्सा आ जाता है और फिर लड़ाई हो जाती है। अगर आप लीडर हैं तो फिर आपका काम है कि अपने जहन और जज्बात को काबू में रखें। आपने सोचना है कि मसाइल हल करने के लिए और सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो हो चुका आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो होने जा रहा है इसके बारे में जरूर कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना होगा वो है जिम्मेदारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम अक्सर गलती की जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह तलाश करते हैं कि गलती दूसरे के सर डाल दी जाए। हालांकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन जब हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं तो फिर गुस्सा भी उसी पर आता है। अपने आप को जिम्मेदार करार देंगे तो जहन मुतमईन और साफ हो जाएगा और इसके बाद आप बेहतरीन फैसले करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा गुस्सा और मायूसी हमें ये बात कबूल करने ही नहीं देता कि नुकसान हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमें कबूल करना होगा कि जो होना था वो हो चुका, फिर हम सोचने के काबिल होंगे कि अब क्या किया जाए। बात यह नहीं कि आप कैसे नाकाम हुए, बात यह है कि आपने कैसे इस नाकामी को कामयाबी में बदलने की कोशिश की।